आज का जो वायरल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स, अभी अभी यहाँ पे क्वेश्चन वायरल हुआ है फ्रेंड्स, जो इंग्लिश का 12th का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो अभी अभी वायरल हो चुका है। तो जल्दी से क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपको एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन, एकदम यही वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए बिना देर किए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो फ्रेंड्स, आप लोग भी देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैं दिखा दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एट ट्रैक्स वाई द किलर वाई ए द हैंगर। तो इसका आपका कैरेक्ट एक्टिव वॉइस चुनना है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी मिलाइए फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्द आपका जो है एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आज के एग्जाम में ही ये क्वेश्चन पूछने जाए वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी अभी लीक हो चुका है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि आई शो हिम द लिविंग द हॉर्स, ठीक है। इसका आपका पैसिव वॉइस बनाना है फ्रेंड्स, तो इसका भी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ही वॉज सीन द लिविंग द हॉर्स बाई मी, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दें, जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड देख सकते हैं, माय ब्रदर, और यहाँ पे आपका खाली स्थान जो दिया गया है, तो 42 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट मंथ मंथली। तो इसका आपका कैरेक्ट आंसर फ्रॉम चूज करना है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बिल्स विल बी सी, ये आपका कैरेक्ट आंसर हुआ। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कि सी यहाँ पे है आपका रिक्त स्थान, ठीक है। उसके बाद है कि कम एट वी आर द स्टिल वेटिंग फॉर हियर। तो इसका आपका कैरेक्ट ऑप्शन चुनना है, तो इसका आपका हैजेंट आपका जो हुआ वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं फाइव नंबर क्वेश्चन। और फ्रेंड्स इसका अगर PDF चाहिए आप लोग को, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपका टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाकर आप टेलीग्राम से जुड़िए। और आपका डिस्क्रिप्शन में एक और चैनल का लिंक होगा फ्रेंड्स, उस पर जाकर भी वहाँ वहाँ से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। और टेलीग्राम पर जुड़ना तो भूलिएगा नहीं, क्योंकि इसी क्वेश्चन को आपको PDF बनाकर दिया जाएगा, और आपका जो PDF होगा वो आपके एग्जाम में हू बहू मिलेगा फ्रेंड्स। और वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन और PDF में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आज का ये वायरल क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि आई स्पीक द ट्रूथ, आई एम नॉट द एफ्रेड ऑफ इट। तो इसका आपका कैरेट कॉम्बिनेशन करना है, तो ठीक है, कैरेट कॉम्बिनेशन इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द स्पीकिंग द ट्रूथ, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो चलिए आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो हुआ आपका, जो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपका पहले यहाँ पे खाली क्वेश्चन है, उसके बाद है फोर टर्न स्माइल अपन यू। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्ट, यानी मस्ट फोर टर्न स्माइल ओपन यू, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। यहाँ पे आप 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि द पेरेंट्स बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, ये आपका कैरेक्ट वर्ब फ्रॉम चुनना है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैड डाइड, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका 8 नंबर क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स कि ही सैड बी क्विट एंड लिस्टन टू मी, ठीक है। तो ये इसका आपका इनडायरेक्ट स्पीच चुनना है, तो इसका आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ही और गेट देम टू बी क्वाइट एंड लिस्टन टू हिम, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए बिना देर के हुए जल्दी जल्दी देखिएगा, और चैनल को जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन लीक होता है, क्वेश्चन वायरल होता है, आपको यहाँ पे जानकारी दी जाती है फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम से जरूर जुड़े रहिएगा, ताकि आपको PDF के साथ साथ वहाँ पे आपका जैसे ही वायरल होगा क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाता है, और क्वेश्चन वायरल हो चुका है आपको टेलीग्राम पर जरूर यहाँ पे अपलोड मिलेगा फ्रेंड्स। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई शॉर्टली यू वेयर अबाउट, ये आपका कैरेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, टू लिव, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो चलिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, ही सेज डैट ही गोस
फॉर ए वर्क एवरी मॉर्निंग, ये आपका करेक्ट डायरेक्ट का स्पीच हो गया फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ही सेड आई गो फॉर ए वर्क एवरी मॉर्निंग, आपका जो हुआ वो आपका राइट आंसर हो गया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई रिग्रेट द शम्विंग द अवॉर्ड द वेंडिंग, ये आपका करेक्ट ऑप्शन चुनना है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी टेलिंग, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, वेबसाइट से आई गिव हिम $500, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन चुनना है अराइव्ड, अराइव्ड जो हुआ, सॉरी एडवाइस, एडवाइस जो हुआ आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है जल्दी जल्दी में मैं बना रहा हूँ फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फिर मैं आपको वो सुधार कर जरूर आपका कमेंट में करके पिनअप कर दूंगा, जिससे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ऐसे तो बाय द वे यहाँ पे मिस्टेक होगा ही नहीं फ्रेंड्स, लेकिन बाय द वे अगर जल्दी जल्दी बनाने में कुछ मिस्टेक होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, हम कमेंट में फिर उसको करेक्ट करके उसको पिनअप कर देंगे, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे फिर आपका क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ये आपका राइट आंसर है। तो चलिए यहाँ पे फिर 14 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, 14 में, कि इट वाज डार्क द टनल, तो इसका यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट प्रिपोजिशन चुनना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इनसाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि दिस इज द ऑफ प्रॉब्लम, इसका राइट आंसर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही गिव अ स्मोकिंग, इसका आपका करेक्ट ऑप्शन चुनना है तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, आप ये आपका राइट आंसर हो गया। फिर आप चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसका आपका राइट आंसर ये हो गया, आई एम टू गोल्ड एट फिजिक, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। फिर 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, कि डू यू माइंड इट विथ यू, यहाँ पे जो खाली स्थान रिक्त स्थान है यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन चुनना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टॉल्किंग आपका राइट आंसर हो गया। फिर आप देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कि ही हैज टेकन टू, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन चुनना है, तो ऑप्शन नंबर सी गैम्बलिन आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 देख सकते हैं फ्रेंड्स, है ना, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पे सेंटेंस चूज करना है कौन सा ही है, तो ही डिड नॉट लिसन टू व्हाट आई सेड, ये आपका राइट आंसर हो गया। फिर 21 यहाँ पे देख सकते हैं, पहले यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है, उसके बाद इज इम्पॉसिबल ऑन दिस संडे ग्राउंड, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन चुनना है, जो आपका राइट आंसर साइकिलिंग हो गया, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। 22 का देख सकते हैं, यहाँ पे जैक यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है, उसके बाद इंग्लिश स्पेनिंग एंड ए बिट बिट ऑफ द फ्रेंच, इसका भी करेक्ट ऑप्शन चुनना है, तो स्पीक्स जो हुआ आपका राइट आंसर हो गया। फिर चलिए आप 23 पे, डिशेस विथ द स्प्रिट्स बाई द कॉन्टेंट इज द कॉल्ड, ठीक है, इसका भी आपका करेक्ट ऑप्शन चुनना है, जो ऑप्शन नंबर सी हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन जो हुआ आपका राइट आंसर हो गया। फिर चलिए 24 पे, आई लाइक, यहाँ पे भी डॉट डॉट दिया हुआ है, और माई ब्लैंक्स ऑनलाइन, तो यहाँ पे आपका लास्ट सॉरी आंसर जो हो गया वो प्लेइंग आपका राइट आंसर हो गया। 25 को देखेंगे, कि द फोन रैंग, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया ये फ्यू मिनट्स एगो। यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे थोड़ा बोलने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लीक हो चुका है और अभी अभी लीक हुआ है, और मैं वीडियो के माध्यम से ये जानना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के पास ये वीडियो पहुँच सके, क्योंकि उनको
यहाँ पे जरूर इसका फ़ायदा हो। जब लीकिंग हो गया तो फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में भी शेयर करते चलिएगा, और किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हो सकता है बाई मिस्टेक एक आध क्वेश्चन अगर अगेन उन्हें हो जाता है तो मैं जैसे कि पहले ही बोला कि मैं कॉमेंट में करके उसको पिनअप कर दूंगा। 26 यहाँ पर देखिए, आई डॉट 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 माई ओल्ड मोबाइल एनी मोर, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आई एम नॉट यूजिंग, आपका राइट आंसर है। यहाँ पे चलेंगे 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जहाँ पे चूज द करेक्ट स्प्लिट वर्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका एक जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएगा कि गवर्नमेंट का कौन सा स्पेलिंग आपका जो है करेक्टली है। तो यहाँ पे आप उसको चूज कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे चलिए फिर मैं आपको दिखा दूँ 28 नंबर क्वेश्चन को, सॉरी 28 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट और डॉट डॉट है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी सी डू डू यू डू, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्प्लिट वर्ड, यानी कौन सा मिस्टेकिंग वाला वर्ड है, तो ठीक है ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि आई डोंट नो डॉट डॉट मनी मनी ही हैज, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाउ मच, हाउ मच जो हो गया आपका राइट आंसर हो गया। फिर 31 देखेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन कि आई डॉट डॉट फुटबॉल आफ्टर वर्क, ये आपका राइट आंसर हो गया प्ले, ठीक है। फिर आपका 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरिता इज क्राइंग हर हैंड बैग, ठीक है ये आपका राइट आंसर हो गया। फिर 33 देखेंगे कि आई एम द शॉर्टेस्ट, ये आपका राइट आंसर शॉर्टेस्ट हो गया, शॉर्टेस्ट इन द फैमिली, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 का ही यहाँ पे क्या होगा हैड, ही हैड फिनिशेड ए फोर लाइंग, आपका लास्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हैड जो हुआ वो आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए चूज द करेक्टली स्प्लिट वर्ड, यहाँ पे स्प्लिट वर्ड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे डिफरेंट DIFFERENT होता है, ठीक है यहाँ पे डायरेक्ट चूज कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, इट इज एन यूनिक ऑपर्चुनिटी, आपका राइट आंसर हो जाएगा एन, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आफ्टर ऑल दिज इज द स्मोकिंग इन हिंदुस्तान डेट हैज किप्ट इट ए लाइव्ड अप टू द नाउ फ्रॉम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है ये आपका बुक से क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है यानी आपका ये बुक वाला क्वेश्चन है, ग्रामर वाला नहीं, यहाँ पे आप जितना भी आएगा सब बुक वाला ही आएगा, ठीक है। या फिर 38 देखेंगी, द प्रोसेस प्राइस भारत इज माई होम इज रिटन बाय, तो इसका हो जाएगा जाकिर हुसैन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीगा नोया ये जे शॉर्टली स्टोरी राइटर, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या है जापानिश, सीगा नोया किस राइटर है तो जापानी राइटर है। यहाँ पे 14 देखेंगे कि डैट विदाउट ए फ्रिज द प्रेसेस देयर कैन बी नो फ्रेश द पीपल डैट ऑल द फ्रेश पीपल टेकन फ्रॉम, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन चुनना है, तो इसका आपका ग्रांटेड जो हुआ आपका राइट आंसर हो गया। 41 को देखेंगे कि नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन स्लो, ठीक है ए फिल्टर लव फॉर मी इज फ्रॉम, ये आपका दो वो दिया हुआ है लाइनिंग, तो इसका आपका क्या हो जाएगा फायर हैमेन, आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं 42 द नेम ऑफ द लोमर्स, ठीक है डॉग इच, आपका कैरेक्ट आंसर चुनना है, तो ग्राइस ग्राइस आपका राइट आंसर हो गया।
यहाँ पे 43 देख सकते हैं, प्लेक्स बैकवाज अमेरिकन वाई वर्थ आपका करेक्ट आंसर हो गया। फिर आपको 44 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन है कि लीव्स ऑफ ग्रास इज द कलेक्टिंग ऑफ पोएम्स बाई वाल्ट विथ मैन, ठीक है आपका राइट आंसर हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेंजाय वांटेड टू सेल, सेल आपका राइट आंसर हो गया, हिज प्रेजेंट लैंड आपका सेल जो हुआ राइट आंसर हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रेडिस द लोस्ट इज द रिटन बाई, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चुनना है पी वी शेरजी आपका राइट आंसर हो गया। कुड इम्पॉसिबल ए हेडेड लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड इज टेकन फ्रॉम आपका राइट आंसर हो गया टू एटम आपका करेक्ट आंसर हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द पोएट्स इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस जस्ट वांटेड टू लिसन टू द आपका जो राइट आंसर हो गया फॉर्जिन आपका राइट आंसर हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि टी एस एलियट इज कैसी कवि थे, तो ये आप रोमांटिक्स कवि थे, ठीक है ये आपका राइट आंसर हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ए मार्जोर लिंग्विस्टेड द चेंज इन द नो एज, इसका आपका करेक्ट ऑप्शन चुनना है तो ये आपका हो जाएगा द ग्रेट वैल्यू शिफ्ट आपका राइट आंसर हो गया। फिर आपका 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लाइट ऑफ स्पीड सॉरी स्टेप एंड व्हाट वाइज सीज इज फ्रॉम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एंड इफ इट थाफ आपका राइट आंसर हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एंड टू चेवल एंड क्वाइल आर रिटन बाई आपका एम आर आनंद राइट आंसर हो गया। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ट्रोंगहाइक्विक इधर रिटन बाई आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस क्रनंद ग्रीस कर नंद आपका राइट आंसर हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पहले डॉट डॉट है तो यहाँ पे हो जाएगा कि ब्रिटिश इंग्लिश विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर एज आपका ब्रिटिश जो हुआ वो आपका राइट आंसर हो गया। आपका 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द रोमांटिक्स रिवाइवल इज ऑफ्टेन एसोसिएटेड विथ, आपका करेक्ट ऑप्शन चुनना है तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए पोप आपका राइट आंसर हो गया। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो आवर एंसेस्ट्रीज द एंजॉयड रूल आपका जो राइट आंसर हो गया ये आपका होम हो जाएगा, यहाँ पे आपका होम जो हुआ वो राइट आंसर हो गया। तो चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मार्टिन लूथर किंग जी आर यानी जूनियर डिसलाइक्स, यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा आपका रेसियल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन, ए पोएम ऑफ यानी यहाँ पे हो जाएगा 14 यानी 14 लाइन्स इन सॉन्ट नेक्स्ट आपका राइट आंसर हो गया। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हु इज नाउ एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो ये आपका सरोजिनी नायडू आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे 60 यानी 60 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, द नेरेस्टेड टू ऑफ यहाँ पे डॉट और दिया हुआ है, वहाँ पे आ जाएगा साइलेंस वाज ट्रॉन्डेड मिलियट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग का वायरल क्वेश्चन ही और एग्जाम में बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं आपको कहूँगा कि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि आपको जितना भी एग्जाम होने वाला है सबका वायरल क्वेश्चन इस यूट्यूब चैनल पर डाला जाता है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।